नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे हमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा है वैसा ही एक केस ये भी है, रिवर्सिबल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। मतलब अगर ये मान लिया जाए कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, समझो बात को, ए से रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का के एफ और बैकवर्ड का के बी। यहां पर के एफ क्या है नोट करो, यहां के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन, और के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। के बी है तुम्हारा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, के बी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। नोट करो, ठीक है। तो अब इसमें जो है कंसंट्रेशन ए और बी का टाइम के साथ कैसे निकालें, जैसे समस्या यहां ये है कि टी बराबर जीरो पर अगर ये सी नॉट और ये जीरो है मान लेते हैं, और टाइम टी बराबर टी पर अगर ये सी नॉट माइनस एक्स है और ये एक्स है, तो समस्या ये है ना कि ये आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा, और हम जानना चाहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम टी। तो ये बताओ, क्या ये मान लें कि टाइम टी बराबर इक्विलिब्रियम पर ये सी नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम होगा और ये एक्स इक्विलिब्रियम होगा। मुझे एक बात बताओ, एक्स और एक्स ई में कौन कांस्टेंट है, सोच के बताओ, एक्स और एक्स ई में कांस्टेंट कौन है? हाँ हाँ तो एक्स ई कांस्टेंट है ना, ये आपका कांस्टेंट है और जो x है वो वेरिएबल है। तो हमको यहां निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज फंक्शन ऑफ टाइम, कैसे किया जाए, चलो साथ में लिखना शुरू करो। अगर माइनस डी सी ए बाई डी टी लिखा जाए तो ये बराबर होगा k फॉरवर्ड इंटू सी ए माइनस k बैकवर्ड इंटू सी बी। वेरिएबल तीन है, टाइम ए और बी नहीं कर सकते, तो वेरिएबल को घटाना पड़ेगा, वेरिएबल्स को कम करना पड़ेगा। अब वेरिएबल्स कम कैसे करें, तो माइनस डी बाई डी टी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सी नॉट माइनस एक्स, और यहां लिख सकता हूं के एफ सी नॉट माइनस एक्स और माइनस के बी इंटू एक्स। इसको सॉल्व करो तो आएगा डी एक्स बाई डी टी बराबर के एफ इंटू सी नॉट, एक ये आएगा माइनस, अगर आप समझ गए हो तो के एफ प्लस के बी टाइम्स एक्स आएगा, एक्सप्रेशन वन। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूंगा। आप लोग लिख लीजिए, नोट हो गया यहां तक? तो अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो, आपको ये पता है, ये फैक्चुअल बात है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम बराबर के एफ बाई के बी होता है, और ये बराबर होगा एक्स ई डिवाइडेड बाई सी नॉट माइनस एक्स ई, मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यहां से के एफ इंटू सी नॉट माइनस के एफ इंटू एक्स ई
बराबर मिलेगा के बी इंटू एक्स ई, लिखते रहिएगा, तो यहां से तुमको मिलेगा के एफ इंटू सी नॉट बराबर के बी प्लस के एफ इंटू एक्स ई। इस के एफ इंटू सी नॉट का वैल्यू अब यहां से उठाकर अगर यहां डाल दिया जाए, के एफ इंटू सी नॉट का वैल्यू अगर यहां से उठा के यहां पर डाल दिया जाए डीएक्स बाई डी टी के एक्सप्रेशन में, तो देखो मिलेगा तुम्हें डीएक्स बाई डी टी बराबर, इसको अगर यहां रखें और के एफ प्लस के बी को कॉमन ले लें, है ना, तो बचेगा एक्स माइनस एक्स ई। और अब हुआ ना थोड़ा सा आसान, क्योंकि अब डीएक्स बाई एक्स माइनस एक्स ई, शायद एक्स ई माइनस एक्स होगा, आई थिंक एक्स ई माइनस एक्स ये होगा, ठीक है, और इंटीग्रल, और ये बराबर के एफ प्लस के बी इंटू डी टी, टाइम की लिमिट्स जीरो से टी और एक्स की लिमिट जीरो से एक्स, फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एल एन क्या जाएगा, माइनस माइनस आएगा, क्योंकि ध्यान रखना यहां माइनस एक्स है ना, तो अगर ये माइनस एक्स है तो आएगा माइनस एल एन एक्स ई माइनस एक्स लिमिट्स जीरो टू एक्स इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टाइम टी। इसमें अगर प्लेस करोगे तो माइनस एल एन एक्स ई माइनस एक्स प्लस एल एन एक्स ई इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी। और फाइनली अगर इसका एक्सप्रेशन लिखा जाए, है ना, तो देखो शायद आएगा के एफ प्लस के बी बराबर वन बाई टी एल एन एक्स ई बाई एक्स ई माइनस एक्स। कुछ याद आ रहा है, कुछ रिलेट कर पा रहे हो, बोलो इसको कुछ रिलेट कर पा रहे हो, अगर रिलेट कर पा रहे हो तो देखो फर्स्ट ऑर्डर का के बराबर वन बाई टी एल एन सी नॉट बाई सी टी होता है या सी नॉट बाई सी नॉट माइनस एक्स होता है, है ना, तो अब जो तुमने निकाला है वहां के की जगह के एफ प्लस के बी है और सी नॉट की जगह एक्स ई है, यही तो है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो तुम निकालते हो वैसा ही है, तो याद रखना आसान रहेगा। कोई मुझे बताएगा, अच्छा कोई मुझे बताएगा इस तरह के रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है, इस तरह की रिएक्शंस के लिए जो रिवर्सिबल हैं उन रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब है, एनी आइडिया? तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब है कि कितनी देर में x बराबर एक्स ई बाई टू हो जाएगा, मतलब इक्वली, देखो यहां खत्म तो होगा नहीं, यहां खत्म तो होगा नहीं, लेकिन आधी इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए, मतलब जो x का वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम पर जो हो सकता है उसका आधा हो जाए, और अगर सॉल्व करो तो वही एक्सप्रेशन आएगा तुम्हारा एल एन टू बाई के, बस अंतर यह है कि k की जगह के एफ प्लस के बी रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ आया होगा, इतना मुश्किल नहीं था, और इस पर यह पूरा का पूरा टोटल इतना ही डिस्कशन है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ओके है ना, आपकी तरफ से ओके है ना, अच्छा पॉइंट है, मतलब बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन सब पर।